एजेंट हो, तुम इसराइली एजेंट हो, तुम इसराइल के साथ प्यार की पिंग ये मनाना चाहते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको जरसब इस्लाम। नाज़रीन, हमने देखा है कि हमारे मुल्क में ये नारा इसराइली एजेंट, तुम इसराइली एजेंट हो, तुम इसराइली एजेंट हो, तुम इसराइल के साथ प्यार की पिंग ये मनाना चाहते हो, तुम इसराइल को तस्लीम करना चाहते हो, ये जो बात है ये हमने बहुत मरतबा सुनी है। और सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे को इस तरह से टारगेट करते हैं। और हमने देखा है कि जो मौलाना फजल रहमान हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा टारगेट किया है बाकी जमातों को, और ख़ासतौर पर इमरान खान को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है कि तुम इसराइली एजेंट हो। और इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कुछ हद तक टारगेट किया है खान साहब को कि आप इसराइली एजेंट हैं। और इसी तरह से जो पीटीआई के मानने वाले हैं वो इनको इसराइली एजेंट कहते हैं। सो एक दूसरे के साथ ये लगे रहते हैं। लेकिन कल एक ऐसा इंटरव्यू हुआ जिसके बाद रोंगटे खड़े हो गए कि ये हुआ क्या है, ये क्या होता रहा है पाकिस्तान में। हम तो इसराइल को मानना तो दूर की बात है, वहाँ पे जाने का तसव्वुर नहीं कर सकते, उनके साथ कोई डायलॉग्स का तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ हो चुकी है। और ये चीज़ जिसने की है कल उसने अपने मुंह से ये चीज़ बयान कर दी है कि वो इसराइल क्यों गया, वो किस लिए गया। इससे पहले कि मैं उस शख्स के ऊपर मैं बात करूँ कि उसने कल क्या कहा है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो मेरा यूट्यूब का चैनल और जो फेसबुक है उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, प्लीज़ इस तरह से जो आपकी जो हमदर्दियाँ हैं, जो आप पसंद करते हैं और जब क्रिटिसाइज भी करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया उसके बारे में। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि वो शख्स कौन है। वो शख्स है मौलाना अजमल कादरी, जो साबका जो मजहबी अमूर के वजीर भी रह चुके हैं नवाज शरीफ के दौर में। अच्छा, उन्होंने एक बात मैं आपको वाजा कर दूं कि उन्होंने ये टाइम नहीं बताया कि वो किस दौर में गए थे, और ये उन्होंने नहीं बताया। और उनके बारे में ये भी बताता चलूं कि ये वजीर तो थे लेकिन इनका ताल्लुक JUI यानी कि मौलाना फजल रहमान की जमात के साथ था। अच्छा, वो कहते हैं कि उनके जो समर टीवी का प्रोग्राम था उसमें जो मेज़बान थे अली हैदर, उनसे गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा के लोग जानना चाहते थे कि हम इसराइल से ताल्लुकात कायम करके भी कर भी सकते हैं या नहीं, अगर ताल्लुकात कायम करते हैं तो तमाम तर मफादात का रुख पाकिस्तान के हक में होगा या नहीं। ये एक मुतालती सफ़र था और ताल्लुकात की इब्तिदा थी, यानी कि वो आपको बता रहे हैं कि हम क्यों जाना चाहते थे, क्योंकि एंकर ने सवाल किया कि आपका इसके पीछे वजह क्या थी इसराइल का टूर करने की। तो ये उनका कहना था कि हम ये जानना चाहते थे कि हम उनके साथ ताल्लुकात रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। इसके बाद एंकर ने दोबारा सवाल पूछा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने या ना करने के लिए पैमाना क्या था। अजमल कादरी ने जवाब दिया कि जैसे भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, इसके साथ हमारे मामला दुरुस्त नहीं, लेकिन मियां नवाज शरीफ तिजारती पहलू को सामने रखते हुए जानते थे कि जब पाकिस्तान इंडिया से सब्जी दुबई के रास्ते मंगवा रहा है तो अमृतसर के रास्ते क्यों नहीं। इस तरह हमने देखना था कि इसराइल के साथ तिजारत और ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद में हैं या नहीं। ठीक है, ये उनका जवाब था कि हम क्यों ताल्लुकात उनके साथ चाहते हैं। फिर जब उनसे पूछा गया कि वो किन किन से मुलाकात हुई, यानी कि वो जो एक यहाँ से जो एक डेलीगेशन गया था उनका इसराइल में किस किस के साथ उनकी मुलाकातें हुई, तो उस पर उनका जवाब था कि इसराइल के वजीर खारजा के लोगों और काबीना के वजरा से मुलाकातें हुई, वो हमारे होटल में आए थे और उनसे बड़ी सह हासिल गुफ्तगू हुई। अच्छा, साथ उन्होंने ये भी कहा कि तिजारती अमूर पर बात हुई क्योंकि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इसराइलियों में बड़ी मकबूल हैं, जबकि इसराइली फर्टिलाइजर और ज़रई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, इसलिए उस पर मामलात गुफ्तगू यानी उस मामले पर गुफ्तगू हुई। कादरी जो अजमल कादरी के मुताबिक इसराइली चाहते थे कि सियासी और सफारती ताल्लुकात को फ़लस्तीन के साथ मशरूत ना किया जाए, मगर हमने उन्हें यह बावर करवाया कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत के क्याम के लिए हमें आला इसराइली की आदत से यकीन दहानी नहीं कराई जाती तो हम इस मामले पे आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद एंकर ने पूछा कि आपको वहाँ भेजने का फैसला नवाज शरीफ का इनफरादी था या फैसले में कोई और भी शामिल था। मौलाना अजमल कादरी ने जवाब दिया कि कुछ और क्वार्टर्स थे जिनसे मुशावरत के बाद यह फैसला किया गया। इसके बाद जो मेज़बान थे उन्होंने दोबारा से तस्दीक करने के लिए दोबारा से यह सवाल किया, तो उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी, जो मेज़बान थे उन्होंने क्लियरली पूछा कि क्या उसमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी, तो मौलाना अजमल कादरी ने बताया कि उनकी मुशावरत से ही ऐसा हुआ। तो ये स्टोरी थी कि एक इसराइल में वफ्त गया नवाज शरीफ के दौर में बकौल अजमल कादरी के, और उनका कहना यह था कि नवाज शरीफ चाहते थे कि हम उनके साथ तजारती जो ताल्लुकात है वो बढ़ाएं। देख लें जी, ये वो लोग हैं जो
इसराइल अवाम के सामने इसराइल का नाम लेने वाले को ये एजेंट और गद्दार कहते हैं, और फ़लस्तीन के जो हमारे जो मुसलमान हैं उनके साथ, उनके खून के साथ जो उनको वहाँ पर शहीद किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ साजिश करार देते हैं। तो ये ख़ुद क्या करते रहे हैं? मेरी हुकूमत से, आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये मुतालबा करें कि ये अजमल कादरी साहब को कटहरे पर खड़ा किया जाए और उनसे ये क्लियर पूछा जाए कि क्या ये सच है जो उन्होंने फरमाया है। अगर सच है तो उस वक्त के जितने भी करदार थे उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनको अवाम की अदालत के सामने लेके आना चाहिए, क्योंकि हम फलस्तीन की आज़ादी तक हम इसराइल को मान नहीं सकते। ये हमारे मंशूर में है कि हम इसराइल को तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो फलस्तीन को तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक वो फलस्तीन को अलग स्टेट नहीं बनने देंगे। ये था आज का व्लॉग, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।